सलाम अलैकुम जी। उस्मान अशरफ है, सुहेल अख्तर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैसे कि इमाद भाई ने बताया कि रिलेटेड टू PSL लाहौर कलंदर्स और इससे रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन हो, तो हम कोशिश करेंगे जितने मैक्सिमम क्वेश्चन ले सकें। जी सबसे पहले खालिद डॉन न्यूज से जो है। अस्सलामुअलैकुम सोहेल। वालेकुम सलाम। सोहेल ये बताइए कि 3 महीने का जो ब्रेक आया उससे पहली बात मोमेंटम पे फर्क तो पड़ता है, लेकिन यहाँ अबू धाबी में खेलना, यहाँ का मौसम नस्बतन गर्म है कराची लाहौर के मुकाबले में जब मार्च में टूर्नामेंट चल रहा था, तो ये बताइए कि कैसी तैयारी है और कितने फोकस हैं आप लोग, और दूसरा ये कि बेन डन के हवाले से अपडेट दीजिएगा, कोई इंजरी हुई तो मतलब कल के लिए वो अवेलेबल है या नहीं। आपने काफी सवाल पूछ लिए। इस तरह है कि जो ब्रेक आई है, जारी बात है, उससे मोमेंटम तो जरूर ब्रेक हुआ है हमारा, लेकिन सारे क्रिकेटर्स कहीं ना कहीं क्रिकेट खेलते रहे और हम भी अपनी जो क्रिकेट खेलते रहे, और लकीली जो हमारी टीम के काफी प्लेयर्स हैं वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते रहे, तो मैं समझता हूँ इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। और जहाँ तक वेदर की बात है, तो शुक्र है कि हम पहले आ गए यहाँ पे, हमें काफ़ी टाइम मिल गया इससे वेदर में अपने आप को सेट करने का, तो कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ेगा। और एज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर हर हर वेदर में हम खेलने के आदी होते हैं। और जहाँ तक बैंडांग की बात है, तो वो थोड़ी सी उनको चोट आई थी, कोई खास सीरियस नहीं आई थी, तो वो ठीक है वो। बाकी जिस तरह की हमारे देखेंगे कम्बिनेशन बनाएंगे, अभी हमारी इस पे कोई मीटिंग नहीं हुई, तो आज रात को ही है, देखेंगे हम मीटिंग करेंगे, फिर उस हिसाब से हम अपना कम्बिनेशन सेट करने की कोशिश करेंगे। जी सुहेल इमरान। हेलो। सोहेल, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपकी अबू धाबी में खासी अच्छी परफॉर्मेंस रही है और आपको एक मरतबा फिर यहाँ पर टीम को लीड करने का मौका मिल रहा है, कितने एक्साइटेड हो इस चीज को लेके? हालांकि लाहौर कलंदर्स का जो एक कम्बिनेशन बना हुआ था पिछले 5वें एडिशन से, जो एक मोमेंटम भी उसने पकड़ा था, उसमें फर्क भी आया, लेकिन अब आप अपने इस कम्बिनेशन से कितने मुतमईन हो और दूसरा खुद कितने एक्साइटेड हो कि वहां पर अबू धाबी, जहां पर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है, वहां पर टीम को लीड कर रहे हो आप? हाँ जी सुहेल भाई, अबू धाबी जो क्रिकेट ग्राउंड है, ये मेरे लिए और लाहौर कलंदर के लिए हमेशा अच्छा रहा है, और होपफुली इंशाल्लाह इस साल भी काफ़ी अच्छी यादें हम लेके जाएंगे। और जहाँ तक सुहेल भाई कम्बिनेशन की बात है, तो कम्बिनेशन हमारा काफ़ी अच्छा है, और जो अभी नए प्लेयर्स फॉरेन प्लेयर्स जो हमारी टीम में आए हैं, तो उनका बहुत अच्छा एटीट्यूड है, और वो टाइमिंग लगा उनको टीम के साथ एडजस्ट होने में, तो मैं इंशाल्लाह कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा किसी नए प्लेयर को हमारी टीम में आने का, क्योंकि बहुत अच्छा माहौल है और जिस तरह आके सारे जेल हो गए हैं, तो एक टीम के लिए यही सबसे अच्छी चीज़ होती है कि सारे प्लेयर्स जेल हों, तो हमें टाइम भी मिल गया काफ़ी, और हम इकट्ठी प्रैक्टिस कर रहे हैं, गपशप हो रही है सारे प्लेयर्स के साथ, तो सारे इंजॉय कर रहे हैं, इंशाल्लाह एक अच्छी टीम ग्राउंड में उतारेंगे। जी इमाद हमीद। सुहेल भाई, जस्ट गोइंग फॉरवर्ड थोड़ा सा, जैसे सुहेल इमरान ने जिक्र किया, ऑफकोर्स आप लोगों की बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस है, कराची लेग भी बड़ा जबरदस्त रहा लाहौर के लिए, आपके पॉइंट सेम है, टॉप 4 टीम्स तमाम के सेम पॉइंट्स हैं, तो और आप लोगों ने एक मैच भी कम खेल रखा है, तो समझते हैं जो कंपेटिटिव इन्वायरमेंट आपको कराची में मिला के बिल्कुल नेक टू नेक थी टॉप 4 टीम्स, वही होपफुली लाहौर कलंदर्स भी कैरी करेगा, और कितना आप समझते हैं कि कॉम्पिटिशन उतना ही तगड़ा होगा जितना कराची में था। जी बिल्कुल इमाद भाई, सारी टीमें बैलेंस्ड हैं, और आपको पता है कि T20 क्रिकेट में आप किसी टीम को भी कमज़ोर नहीं कह सकते, सारी टीमें तगड़ी हैं, और ज़ाहिर है जिस टीम के पास अगर मोमेंटम जो टीम जिसके पास आ जाए, तो वो टीम खतरनाक हो जाती है, तो हम कोशिश करेंगे, लकीली हमारे पास अभी 6 मैचेस हैं, हम कोशिश करेंगे कि जो हमारा मोमेंटम कराची लेग में था उसी को यहाँ से लेके चलें, और हम ये नहीं सोच रहे कि
हमने हर मैच ही जीतना है, लेकिन हमारा हर मैच जो हमारा एक एक मैच करके हमने प्लान किए हुए हैं और उसी हिसाब से हम खेलेंगे। बाकी जैसे जैसे आगे जाएंगे तो उसका हम अपना जो प्लानिंग है उसको साथ साथ हम करते जाएंगे। जी अनस सईद। सिल्वाई, मेरा सवाल ये है कि जो आपकी बॉलिंग साइड है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, हमने अगर हम देखें आपके पास शाहीन है, प्रीति भी हैं, उधर राशिद खान का खास तौर पर पूछूंगा कि वो उनके आने से स्पिनर भी हैं, दुबई के पिचेस अबू धाबी की जो है वो स्पिनर को बड़ी हेल्पफुल होती हैं, तो कितना फ़ायदा होगा राशिद खान के होने से? जी बिल्कुल, राशिद खान नंबर वन बॉलर हैं इस टाइम वर्ल्ड में, तो उनका बहुत फायदा है हमें, और हम चाहते भी थे कि राशिद खान आए क्योंकि हमारे साथ है जो हमारे पीडीपीज के स्पिनर्स हैं, तो उनके लिए भी हमारी ख्वाहिश थी कि राशिद खान जरूर आए। और बाकी जो हमारी टीम है तो टीम का जाहिर है उनका बहुत फायदा होगा, उनके एक्सपीरियंस का फायदा होगा, और जिस तरह के वो वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं और खासकर बैटिंग भी उनकी काफी अच्छी है, तो एक दूसरी टीम के लिए भी एक बहुत इफेक्टिव है उनका हमारी टीम में रहना, तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि राशिद खान की जो बेस्ट परफॉर्मेंस है वो हमें देखने को मिलेगी। जी बाजिफ। जी अस्सलाम वालेकुम, सोहेल भाई, बाजिफ cricketside.pk से। अच्छा सोहेल भाई, मेरा सवाल डेविड वीसा के मुतालिक है कि वीसा ने पहले काफ़ी मैचेस लाहौर को जितवाए, क्रंच मोमेंट्स पे आके फिनिश किया, तो उनकी एब्सेंस से कितना अफेक्ट होगा लाहौर कलंदर्स को? जी देखें, नो डाउट उन्होंने लाहौर कलंदर्स के लिए बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज दी और काफ़ी मैचेस हमारे लिए फिनिश किए, उनकी कमी तो पूरी नहीं कर सकते हम जिस तरह उन्होंने हमारे लिए सर्विसेज दी हैं, लेकिन उनकी भी जो वो खुद भी कह रहे थे कि मैं आना चाहते थे, लेकिन जाहिर है उनके जो पर्सनल जो उनकी टीम है उनसे उनको खेलना पड़ गया उनकी लीग थी, लेकिन हमने कोशिश की है कि उनकी कमी को पूरा करें। जेम्स फॉल्कनर हम लेके आए और बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं, और राशिद भाई भी हैं वो भी अच्छे ऑलराउंडर हैं, तो उम्मीद है कि जेम्स फॉल्कनर जो है वो डेविड वीजा वाली कमी पूरी करेंगे। जी उस्मान खान। अस्सलाम वालेकुम सुहेल, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट मैच। थैंक यू। मुझे सिर्फ ये जानना है कि कराची और लाहौर की राइवलरी बहुत होती है, तो लास्ट टाइम लाहौर हार गया था, तो उसके लिए भी कैसी तैयारी आप सोच रहे हैं? और दूसरा ये बता देगा कि हाई परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर आप लोगों की ट्रेनिंग होती रही है, तो उसके उससे प्लेयर्स को कितना फायदा हो रहा है? नहीं, लास्ट टाइम तो हम कराची से जीते थे जो लास्ट हम मैच खेले हैं। मैं ट्रॉफी की बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, देखिए वो क्रिकेट है, जाहिर है एक टीम जीतती है कहती है, कोई ऐसा मैं समझता हूँ मीडिया पे हमारी ज्यादा रिवेलरी बनी हुई है। वैसे तो हमारी आपस में अच्छी है, गपशप होती है, मज़ा लेते हैं ग्राउंड में, और हर टीम के साथ ही अगर आप ग्राउंड में जाते हो तो हर टीम के साथ आपका अगर आपके सगा भाई भी आपके अगेंस्ट आ जाता है तो आपने फिर आंखों में आंखें डाल के खेलना होता है, तो बाकी कोई इस तरह की बात नहीं है, हम इंजॉय करते हैं चाहे कराची से मैच है चाहे पेशावर से है। और दूसरा जो हमारा हाई परफॉर्मेंस सेंटर आपने बात की है कलंदर्स का है, तो हम पूरा साल वहीं पे होते हैं, जितने भी हमारे पीडीपी के प्लेयर्स हैं, अगर इंटरनेशनल प्लेयर्स उनकी कोई नहीं है टूर तो वो भी आ जाते हैं, उसका हमें बहुत फ़ायदा है कि हम डे में भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, नाइट में भी करते हैं, ट्रेनिंग की सारी फैसिलिटीज़ हैं हमारे पास, तो जब हम फ्री होते हैं तो हम मैचेस भी हमारे पास ग्राउंड भी है हाई परफॉर्मेंस सेंटर में, अब उसमें मैचेस भी खेल लेते हैं, तो मैं समझता हूँ उसका काफ़ी फ़ायदा है हमें, और इंशाल्लाह वही जो मेहनत हमने की है वो हम यहाँ डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। जी इजाज वसीम। सुहेल, लाहौर कलंदर्स ने जो अबू धाबी में चार इवेंट हुए पाकिस्तान सुपर लीग के पहले, तो लाहौर कलंदर्स का बदकिस्मती से आखिरी नंबर रहा, ठीक है T10 में आपने कहा कि ये मेरे और कलंदर्स के लिए अबू धाबी का ग्राउंड लकी रहा है, लेकिन बैक एंड माइंड में ये कहीं ना कहीं ये है कि आप लोग पाकिस्तान में अच्छा आगे करते हो, यूएई में कलंदर्स की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है,
तो वो जो एक पुराना तर्ज अमल था, अब आप क्योंकि कैप्टन आप हो, पहले ब्रेंडन था, ए बी था, दूसरे कप्तान थे, सो इस बारे में भी आप लोगों ने जो अबू धाबी के डेजर्ट्स के ऊपर जो परफॉर्मेंस है यूएई में वो भी अच्छी तो नहीं रही है माजी में कलंदर्स की, तो वो आपके मीटिंग्स का हिस्सा बना है? देखिये जो माजी है वो गुजर गया, अभी हमारी अगर रिसेंट परफॉर्मेंस देखें तो कलंदर्स की बहुत अच्छी जा रही है, और हम माजी को अभी याद भी नहीं करते क्योंकि जो हमारी प्रेजेंट जो हमारी परफॉर्मेंसेज जा रही हैं वही चीज़ें हमारी हम लेके चल रहे हैं आगे, और इंशाल्लाह अब आपको एक नई लाहौर कलंदर नज़र आ रही है और आएगी भी इंशाल्लाह, और जितनी हम हार्ड वर्क कर रहे हैं उम्मीद है इंशाल्लाह कि इस रिकॉर्ड को भी हम यहाँ पे तोड़ेंगे सब। जी आशिर। अस्सलाम वालेकुम सोहेब भाई, आशिर वाहिदी फ्रॉम क्रिकेट पीके। मेरा क्वेश्चन ये है कि शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर इंटरनेशनल का भी बहुत ज्यादा प्रेशर हो चुका है, और उसके अलावा पीएसएल में भी वो बहुत ज्यादा खेलते रहे और तकरीबन पाकिस्तान की हर के लिए हर फॉर्मेट में खेल रहे हैं, क्या उनको कोई रेस्ट देते हुए देखेंगे हम लोग पीएसएल के दौरान? सॉरी आपकी आवाज सही नहीं आ रही, मैं सवाल सही तरह सुन नहीं सका। जी मेरा क्वेश्चन ये है कि शाहीन शाह अफरीदी जो कि तीनों फॉर्मेट खेलते हैं पाकिस्तान के लिए, बैक टू बैक गेम्स खेल कर आ रहे हैं, अभी बैक टू बैक सीरीज खेल के आ रहे हैं, बैक टू बैक टूर्स खेल कर आ रहे हैं, क्या इसको देखते हुए शाहीन शाह अफरीदी को आप कोई रेस्ट दे सकेंगे पूरे पीएसएल के दौरान? कोई चांसेस है शाहीन शाह अफरीदी के रेस्ट के लिए? देखें इसके लिए मैं इतना ही कहूंगा कि अगर शेर थोड़े दिन शिकार ना करे तो शिकार करना भूल जाता है, तो इसलिए शेर को जंगल में शिकार करते हुए देखना चाहिए इंसान को, और बाकी ये चीज़ें हैं हमारे जहन में, तो अगर कहीं हमें लगा कि उनके लिए कोई इशू होगा या उनको रेस्ट रिक्वायर्ड है तो ज़रूर हम वो पाकिस्तान का एहसासा है और उनको उसी हिसाब से हम यूज़ करेंगे, कोई एक्स्ट्रा बंडल नहीं डालेंगे, तो वो हार्ड वर्क भी काफ़ी कर रहे हैं, फिट लग रहे हैं, जिस तरह वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो मैच में वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस नेट्स में जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जहां हमें फील हुआ कि उन्हें रेस्ट रिक्वायर्ड है तो जरूर देंगे इंशाल्लाह। जी महमूद रियाज। अच्छा सोहेल, बहुत ज्यादा कहा जा रहा है कि दुबई का जो मौसम है वो बड़ा वोलेटाइल होगा, गर्म वेदर होगा, उसके अंदर क्रैम्प्स भी आ सकते हैं, तो मौसम से आप कितना उसके खिलाफ कैसे आपकी प्लानिंग है? गैर मुल्की खिलाड़ियों ने भी अपने शो किए के रिजर्वेशन। देखिए मौसम के खिलाफ तो कोई प्लान नहीं कर सकता वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जो फैसिलिटीज हमें मिल रही हैं तो उससे इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम गर्मी का तोड़ कर लेंगे, बाकी एज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर आपको हर किस्म के वेदर में खेलने की आदी होना चाहिए, और आदी हैं भी, हम हर जगह खेले हैं, जो हम डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेले हैं या क्लब क्रिकेट भी खेलते हैं तो हर तरह के वेदर में खेलते हैं, तो हम यूज टू हैं, इसी तरह गोरे हैं, थोड़ा सा उनको इशू आया जो ऑस्ट्रेलियंस हैं हमारे साथ कहते थे कि हम 4 डिग्री से आए हैं एकदम इतनी हीट में, तो लेकिन अभी वो भी कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, तो 1-2 दिन लगते हैं इस वेदर में खुद को एडजस्ट करने के लिए, तो अभी तमाम प्लेयर्स जो हैं वो इंजॉय कर रहे हैं अपने जो क्रिकेट है प्रैक्टिस है। उस्मान भाई मेरा वो चैट जरा वो नहीं हो रहा, तो बदयू जमा मैं अगर सवाल कर लूँ। जी सुहेल, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो दिन में मैच उसमें होंगे उसमें काफ़ी गर्मी होगी, फिर रात को जो मैच है वहाँ पर ओस भी पड़ रही है, वहाँ का वो जो ओस भी पड़ रही होगी, तो टॉस कितना अहम किरदार अदा करेगा खासतौर पर जीतने के बाद, क्योंकि हर कोई चाहेगा कि ओस की जब पड़ती है इस तरह की कंडीशन होती है हर टीम पहले जो है वो बॉलिंग करना चाहती है, क्या प्लान होगा इस बारे में? देखें टॉस तो काफी अहम रोल अदा करेगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ओस जो रात के मैचेस हैं तो दोनों टीमों के लिए एक जैसी पड़ेगी, एक जैसी प्रॉब्लम्स होंगी दोनों टीम्स के लिए, और गर्मी जो है वो शाम को जब हमारा मैचेस होंगे तो शाम में उस तरह नहीं रहती क्योंकि हमने शाम में जाके प्रैक्टिस भी की है, तो इतनी कोई खास पड़ेगी नहीं, और ओस भी जो है वो किसी एक आध दिन ही जब हम प्रैक्टिस पे जाते हैं तो ज़्यादा पड़ी है, बाकी कोई उस तरह की नहीं पड़ी, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि जो ज़रूरी इकदाम हैं वो करें ओस से बचने के लिए, और टॉस जो है ज़ाहिर है कि वो
काफी इसका अहम रोल होगा टॉस जीतने का भी, तो ये सारी चीजें लेके चलेंगे अब क्रिकेट में, अब ये तो चीजें फिर साथ लेके चलनी पड़ती है। जी नुमान, नो क्वेश्चंस। साद अहमद, अस्सलामुअलैकुम। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसा से हमने देखा कि कल रात को जो भी प्रैक्टिस मैच हुआ है काफी लो स्कोरिंग रहा है, तो सोहेल भाई मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि टीम सिलेक्शन को लेके किस तरह से आप जाएंगे और स्पिनर्स का क्या किरदार रहेगा यूएई की पिचेस पे? देखें, अब हमने तो नहीं सुना कल के प्रैक्टिस मैच का, लेकिन जिस तरह स्पिनर्स की जहाँ तक बात है तो वो उसी हिसाब से ही होगा, हर टीम अपना जो कम्बिनेशन है वो उस तरह सेट करेगी, हम भी ऐसा ही करेंगे। हमारी स्ट्रेंथ फास्ट बॉलिंग है, लेकिन स्पिनर भी हमारे पास वर्ल्ड के नंबर वन स्पिनर है, उसी हिसाब से ही हम अपनी भी जो कम्बिनेशन है सेट करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। जी लास्ट क्वेश्चन, लालू खान। नो कादिर ख्वाजा, जी जी लाल भाई, जी लालू खान भाई, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी जी लालू भाई, सवाल कीजिए। अच्छा भाई, मेरा सवाल आपसे यह था कि कल ओपनिंग में कौन आएगा? जाहिर बात है टीम में कुछ चेंजेस भी हुए हैं, तो इस बार क्या प्लान्स हैं कि ओपनिंग जोड़ी कौन सी होगी? बस दुआ करें जो भी हो अच्छी हो। कोशिश करेंगे, अभी हम हमारी मीटिंग है तो उसमें डिसाइड करेंगे कि किसको करना चाहिए। ठीक है इमाद भाई, कंक्लूड करते हैं इसको। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू सो मच फैसल भाई। सबसे पहले नजीर, इमाद का फ्रेम सही है या लैंडस्केप करा लें? इमाद सलाम अलैकुम एंड वेलकम टू अबू धाबी ऑन बिहाफ ऑफ पीसीबी। जो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि कराची लेग जबरदस्त रहा, डिफेंडिंग चैंपियंस भी हैं, टॉप ऑफ द टेबल है, ऑफकोर्स कॉम्बिनेशन जरूर चेंज हुआ है थोड़ा, बट प्रिपरेशन कैसी रही हैं? एंड हमने बहुत ही कंपेटिटिव एनवायरमेंट देखा कराची में, फोर टीम्स विद द सेम पॉइंट्स, so being the defending champions, what kind of mindset you have tournament start hote hue aur kuch taiyariyon ke bare mein bata de. Walaikum assalam. dekhen bahut acche khele hum log bhi khele aur baaki teams mein bhi bahut zabardast kiya. There is nothing points table pe jo separate kare kisi aur team ko kisi se bhi, so I think ye naya leg hai jo ho gaya wahan pe wo past hai, hamari team bhi change hui hai, kafi teams change hui hain, so I think we have to gear up again और फिर हमें कोशिश यही करनी है कि हम मोमेंटम पकड़ें और कंटिन्यू करें। थैंक यू इमाद। जी बाज़िफ, यू आर नेक्स्ट। जी अस्सलाम वालेकुम इमाद भाई, बाज़िफ फ्रॉम cricketer.pk। इमाद, आपकी टीम में अगर देखा जाए तो मोहम्मद नबी नहीं आ रहे, जो क्लार्क नहीं आ रहे, कॉलिन इंग्राम उस तरह की फॉर्म में नहीं है, तो कराची के मिडिल ऑर्डर को थोड़ा सपोर्ट करने के लिए क्या हम इमाद वसीम को ऊपर बैट करते हुए देख सकते हैं इन द रिमेनिंग ऑफ द टूर्नामेंट? बिल्कुल, डिपेंड ऑन सिचुएशन। आई थिंक हमने गप्टिल लिया है, हमने नजीबुल्ला लिया है, परेरा लिया है, तो आई थिंक दे आर वेरी गुड प्लेयर्स और हमारे पास चैडविक वॉल्टन भी है, सो आई थिंक मिडिल ऑर्डर हमारा स्ट्रॉन्ग ही है, वीक नहीं है, सो या डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन मैं टीम कम्स फर्स्ट, नॉट माई इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, और अगर टीम को जरूरत हुई कि मुझे ऊपर आना है चौथे पे पांचवे पे तो मैं ऊपर आऊंगा, वरना अगर छठे सातवें पे जरूरत हुई वहाँ खेलूंगा, सो इट डिपेंड्स के क्या टीम सिचुएशन चल रही है, किसकी फॉर्म लगी है, किसकी नहीं लगी। ठीक है जी, नेक्स्ट अप खालिद भाई। इमाद अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इमाद ये बताइए कि आप कराची पांच मैच खेले, अब यहाँ अबू धाबी जाहिर है ऑब्वियसली कंडीशंस वगैरह टोटली डिफरेंट होंगी इन टर्म्स ऑफ वेदर एंड एंड मे बी आल्सो द पिच कंडीशन, तो मतलब ठीक है मोमेंटम कराची की बात है, पांच मैच आप खेले टॉप ऑफ द टेबल है, लेकिन आप लाहौर से पिछला मैच खेले थे वो आप हारे हुए, तो साइकोलॉजिकली तो लाहौर कलंदर के पास थोड़ा सा एज है, आप क्या कहते हैं?
I think haar jeet to hissa hai, part of game hai. So Lahore ki no doubt achhi team hai. I think sari PSL ki team bahut zabardast hai. So wo to part of game hai, haar jeet to hoti rehti hai. Hum kaun si cricket, kaun sa brand khelna cha rahe hain, wo zyada situation aur us cheez pe depend karta hai ki brand of cricket hamari kya hai. Dusra yahan pe obviously baat hai ki fark hoga, heat hai yahan pe, it might spin low rahe. Sometimes raat ke waqt flat hota hai, dew ki situation dekhni hai. So wo ek ek do do match mein hi pata lag jayega, pehle dusre din hi pata lag jayega ki kya situation hai, day time pe kya hai, night pe kya hai. So advantage, dekhen advantage kisi team ko bhi nahi hai, na hamari team ko na kisi aur team ko. So I think sab barabar hai aur jo ye leg acha khelega, aapko pata hai ki leagues mein yahi hota hai ki momentum hasil kar lo, jo right time pe momentum pakad legi team uske chances hai zyada आगे जाने के. हमारे फर्स्ट जो प्रायोरिटी है वो प्लेऑफ में पहुंचना है, हर गेम को लेके चलना है. सो पहले प्लेऑफ्स हैं, फिर फर्स्ट टू पोजीशन जो होती हैं, जो इम्पोर्टेंट होती हैं उसमें. सो हम गेम बाय गेम जाएंगे और अहेड नहीं देख रहे, यू नेवर नो इन क्रिकेट क्या हो सकता है. थैंक यू माज जी. नेक्स्ट अप महमूद भाई, महमूद राज. अच्छा इवाद, इस दफा जाहिर है नया टाइप का प्रेशर जो यकीनन होगा वो डिफेंडिंग चैंपियन होने का प्रेशर है. उस प्रेशर के लिए आप कितना उसको किस तरीके से मेंटेन कर रहे हैं? लुक, बिल्कुल डिफेंडिंग चैंपियन थे हम, लेकिन हम उस को लेके नहीं सोच नहीं रहे कि हम डिफेंडिंग चैंपियन हैं, क्योंकि आप ये देखें कि हम अगर कोई टाइटल डिफेंड कर रहे हैं या हम अगर जीत जाते हैं वो एक बात की बात है, हम क्रिकेट कैसे खेल रहे हैं वो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है. आई थिंक रिजल्ट आपके हाथ में हो ही नहीं सकते. जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत हल्का फुल्का प्रेशर होता ही है टीमों के डिफेंड करें, लेकिन हमारा मकसद ऑब्वियस सी बात ये है कि अच्छी क्रिकेट खेलें और गेम बाय गेम चलें, आगे का ना सोचें. सो गेम बाय गेम जा रहे हैं और कोशिश यही कर रहे हैं कि ऑपोजिशन की जो स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, उसको एक्सप्लॉइट करें. इसी तरह ही गेम को लेके चलें. अभी हमारा पहला मैच है, वो हमने देखना है कि ऑपोजिशन कैसी है, क्या करिए. तो वो जो डिफेंडिंग चैंपियन वाला, आई थिंक nobody has ever defended in PSL. अगर ये हो जाए, history create हो जाती है, अच्छी बात है. इससे अच्छी बात हो ही कह सकती है, हम खेल इसलिए रहे, लेकिन हम ये सोच नहीं रहे honestly कि हम defending champion हैं, वो तो past हो गया. जी थैंक यू. फैजान. I'll skip that, वो already put here. Okay, ठीक है. Ashir, we'll move on to you. अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद. मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि बाबर आजम, गुप्टिल और शर्जील तीनों हमारे पास एज एन ओपनर मौजूद हैं, तो इनमें से कौन से दो ओपनर हम मोस्ट प्रोबेबली ट्राई कर रहे होंगे या फिर इन तीनों का साथ रोटेशन करते रहेंगे? लुक, मुझे लाइक आई एम सॉर्ट ऑफ पर्सन, आई डोंट लाइक टू चेंज द ओपनर्स. मैं अपनी टीम की, हम लोग अभी बैठ के बात करेंगे कोच वगैरह सारे, क्योंकि कोच आज क्वारंटीन से निकलेंगे, हमारे वसीम भाई हैं, सारे बैठ के हम बात करेंगे. सो इट डिपेंड्स के किस तरह की सिचुएशन है. मुझे ज़्यादा टीम चेंजेस करने का कोई ना शौक है ना मैं टीम चेंजेस करता हूँ. सो आई थिंक यू प्रोबेबली गोना सी बाबर एंड शर्जील, टू बी ऑनेस्ट. लेकिन अगर टीम के लिए जो ज़रूरी हुआ, जो इम्पोर्टेंट हुआ, हम वही करेंगे. सो वील सिट टुगेदर, वील टॉक बाबर से, कप्टिल से, शर्जील से. सो हम जिसको भी देखना चाहते हैं, जो भी टीम की सिचुएशन है वो करेंगे, लेकिन आई प्रोबेबली थिंक what I think is Babar and Shaji will open. Thank you, Maji. Ijaz Wasim. Imad, mera aapse sawal ye hai ki Pakistan Super League ke jo 4.5 edition UAE mein hue the, Karachi Kings Pakistan mein aake title jeeta, to UAE aur Pakistan mein matches mein aapne koi difference feel kiya hai aur us difference ko yahan aap kaise maintain karenge? देखें, जो डिफरेंस था, एक साल आसिफ अली था, एक साल लू रोंकी था वो जो यूएई और पाकिस्तान में. आई थिंक उन्होंने जिस तरह हम जो यूएई में भी हारे और उससे पहले भी हम जो हारे थे, वो उनकी इनिंग्स ही बहुत अच्छी थी. मुझे अभी तक याद है उन लोगों की इनिंग्स. सो आई थिंक टी ट्वेंटी में सब कुछ ही बराबर होता है. कोई एक मैच विनर आपका एक दिन मैच साइड पर करके गेम को ले जाता है. सो शॉर्ट गेम में यही होता है कि एक ही प्लेयर अगर कोई है जिसने 3-4 आउट कर दिए ऊपर से, या जिसने 60-70-80 पेस कर दिया और वो मैच ले गया,
डिपेंड करता है क्या होता है, लेकिन हमारी ऑन पेपर है बैलेंस साइड। आई थिंक स्पिनर्स भी हमारे पास हैं, फास्ट बॉलर्स भी हैं, बैट्समैन आपको पता है कि ऊपर के हमारे 3-4 वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं। सो मेरे ख्याल से आप ऑन पेपर देखें तो वी आर वेरी वेरी हैप्पी जो हमने पिक्स लिए, और बस कंडीशंस देख के उस मुताबिक टीम सिलेक्शन करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो हमारे लिए हमारे से अच्छा बेहतर हो सके हम वही करें। जी उबैद अवान। अस्सलाम वालेकुम इमाद, मैं ये बात करना चाहूंगा कि कराची में कहा गया कि ड्यू फैक्टर है, अब अबू धाबी में भी यही कहा जा रहा है कि ड्यू फैक्टर होगा वहां पर, तो उसके लिए क्या प्लान किया है? और दूसरा ये कि प्रैक्टिस मैचेस हुए हैं, आपने देखा दूसरी टीमों को भी, और किस तरह देख रहे हैं अपने स्ट्रेंथ को, और क्या ड्यू फैक्टर होगा वहां पर? देखें, हमने जितनी प्रैक्टिस की है रात के टाइम एक दो दिन तो बहुत ज्यादा ड्यू थी और काफी अलार्मिंग थी। इतनी ज्यादा ड्यू मैंने दुबई अबू धाबी में कभी भी नहीं देखी। सो लेकिन हमने जो थोड़ी दिन में प्रैक्टिस की है, शाम के टाइम प्रैक्टिस की है, उसमें ड्यू बहुत कम थी, हवा चल रही थी तो ड्यू बहुत कम थी। सो इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग टू डू ड्यू के बारे में। आई थिंक वी हैव टू सिट एंड वेट, टू बी ऑनेस्ट। पहला मैच है लाहौर का और इस्लामाबाद का, मैं वो देखना है। ड्यू फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन जो मैचेस हैं सेकंड मैच जैसे हैं वो 9 या 10 बजे हैं गालिबन, तो उसमें ये होता है कि फिर इक्वल हो जाती है दोनों टीमों के लिए, ड्यू बराबर है सबके लिए। सो इस तरह नहीं होता कि पहले हाफ में ड्यू नहीं हो सेकंड हाफ में आगे, टॉस इतना क्रूशियल नहीं होता जो हमने यहाँ पे नोट किया है। सो आई थिंक वो मैचेस देख के पता लगेगा किस टाइम ड्यू एग्जैक्ट आती है और क्या होता है, और उस हिसाब से यहाँ पे टीम सिलेक्शन भी करते हैं, ड्यू के हिसाब से आप टीम सिलेक्शन करते हैं किस तरह आपने बॉलिंग खिलानी है। और इट वाज रियली हार्ड स्पेशली फॉर अ स्पिनर टू बॉल इन दोस कंडीशंस फर्स्ट डे जो हमने प्रैक्टिस की थी। जी साद अब्बासी। जी इमाद, बहुत शुक्रिया आपका। इमाद, इसमें तो कोई शक नहीं है कराची किंग की जो टीम है और टॉप पे है, 5 मैचेस खेली है, लेकिन अगर आपकी परफॉर्मेंस की बात की जाए इन 5 मैचेस में, तो हमने देखा कि आपकी जो परफॉर्मेंस थी वो इतनी खास नहीं रही, ना बैटिंग में ना बॉलिंग में। आपने अपनी परफॉर्मेंस के हवाले से कितनी मेहनत की है, जो अगले मैचेस आ रहे हैं उनमें कैसा परफॉर्म करेंगे? मेरी सवाल ही करो। पहली बात यार, मैंने तो एक बॉल खेली थी, पहली बॉल पे आउट हो गया था 5 मैचों में, हमारी तो बैटिंग ही नहीं आई, लोअर ऑर्डर की इतनी अच्छी वहाँ पे विकेट थी और इतना अच्छे हमारे टॉप ऑर्डर कर रहे थे। यूजुअली समटाइम्स पीपल जो भी लोग हैं वो स्टैट्स देखते हैं, लेकिन उन्हें ज्यादा अंदाजा नहीं होता। उन्होंने देखा होगा एक बॉल खेली है, 0 पे आउट हो गया, 5 मैच में 0 रन है, तो एक ही बॉल खेली थी 5 मैचों में, वो एक अलग चीज है। दूसरा, यस, बॉलिंग में डिसअपॉइंटमेंट हुई, एक आधा मैच अच्छा नहीं किया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि परफॉर्मेंस पूरी हो जाए या वो हो जाए। आई थिंक ये सब ऐसी बातें या बहाने। दूसरा, मैंने इन 2-3 महीनों में बहुत मेहनत की है, मैंने अपना मेंटली भी बहुत स्ट्रांग होके आया हूँ और प्रैक्टिस वाइज भी मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है। सो आई थिंक मैं तो सिर्फ कोशिश कर सकता हूँ, रिजल्ट तो अल्लाह के हाथ में। सो आप देखेंगे इस बार की कोशिश करूँगा कि अच्छी से अच्छा परफॉर्म करूँ। नंबर 2, मेरा गोल अपनी परफॉर्मेंस नहीं होता, नंबर 1 होता है टीम कम्स फर्स्ट फॉर मी। अपनी परफॉर्मेंस को मैं इतना ना जहन में रखता हूँ ना कुछ, टीम जीते और मैं जितना इनपुट दे सकूँ, मैं जितनी कोशिश कर सकूँ, जो अच्छा हो टीम के लिए मैं वही करता हूँ। इररिलेवेंट है आप अगर 5 आउट भी कर दो टीम हार जाए, तो टीम के लिए तो आप फायदेमंद ना हुए। सो देयर इज अ फाइन मार्जिन, लेकिन आप सही कह रहे हैं कि अंडर पार परफॉर्मेंस थी, उसको कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूट करूं टीम के लिए। थैंक यू, ग्रेट रिस्पांस। लास्ट क्वेश्चन जी कादिर ख्वाजा। जी अस्सलाम वालेकुम इमाद भाई। सबसे पहले तो ये है कि जिस तरह पाकिस्तान सुपर लीग के जो मैचेस थे कराची में हुए, उसमें जिस तरह अभी भाई ने सवाल किया था, तो उसी को लेकर आगे बढ़ता हूँ कि बॉलिंग में आपका देखा गया कि जब एक ओवर करते थे तो उसके बाद हमने आपके मैचेस में बॉलिंग नहीं देखी। सोशल मीडिया पर काफी तनकीद हुई कि इमाद जो है वो जानबूझ के बॉलिंग नहीं कर रहे, वो एक्सपोज ना हो जाए परफॉर्मेंस के लिहाज से, तो इसमें कितनी सच्चाई है कि आपने क्यों नहीं बॉलिंग की उस पहले जो लेग में? आपको लगता है जो क्रिकेट के शायकीन है, जर्नलिस्ट हैं, कि
मैं ऐसे करूंगा कि एक्सपोज ना हो जाऊं मैं अपनी परफॉर्मेंस को लेके. लुक इट डजंट मैटर टू मी, दुनिया का कोई बंदा भी कुछ बोले. ये बिल्कुल या प्लीज अपने अपने माइक्स प्लीज म्यूट रखें जी. जी मां प्लीज कंटिन्यू. आई थिंक ये ऑब्वियसली बात है, ये मीटिंग और ये मैसेज सारे जर्नलिस्ट को और सारे लोगों को पहुंच चुका होगा इस बात का. आई थिंक इट डजंट मैटर कि दुनिया क्या सोचती है कि एक्सपोज ना हो जाए और ये हो जाए. द थिंग दैट मैटर्स व्हाट टीम रिक्वायर्स. अगर टीम रिक्वायर टू बॉल मी फोर ओवर्स, आई विल बॉल फोर ओवर्स. इफ द टीम रिक्वायर नॉट टू बॉल मी अ सिंगल ओवर, आई डोंट केयर. सो मुझे, आई हैव नेवर बैक डाउन एनी चैलेंज पुट इन फ्रंट ऑफ मी एंड आई विल नेवर बैक डाउन. सो ये सिर्फ बातें होती हैं, ये सिर्फ ये जो सवालात जो इररिलेवेंट सवालात हैं. आई थिंक जो लोग मुझे जानते हैं पर्सनली, जो मेरे साथ क्रिकेट खेले हैं, प्रोफेशनल प्लेयर्स जो मेरे साथ खेले हैं, उनको पता है कि मैंने कभी चैलेंज से पीछे नहीं हटा और ना मैं कभी हटूंगा. और इवन इन दिस टूर्नामेंट अगर मुझे ज़रूरत ये लगा कि मैं चार ओवर भी ना करूँ, एक बॉल भी ना करूँ, आई विल नॉट बॉल. सो इट डजंट मैटर कि उससे मेरी सिलेक्शन को नुकसान हो या लोग जो मर्जी कहें. द थिंग दैट मैटर्स, ये टीम सलमान भाई की टीम है, वसीम भाई इसके प्रेजिडेंट है, कोच इसमें है, मैं इसका कैप्टन हूँ. अल्लाह ताला ने मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है जो बेस्ट टीम के लिए, जो मेरी कैपेसिटी है उसके लिए मैं परफॉर्म करने की कोशिश करूँगा और हक सच का फैसला लूँगा. पर्सनल परफॉर्मेंस मेरे लिए पहले भी कहा मैटर नहीं करती और अभी भी कह रहा हूँ मेरे लिए कोई मैटर नहीं करती. Thanks, brother. Thank you so much, Imad. Great, great responses. आपसे सबसे बाकियों से माजरत, please अगर कोई सवाल है, I'll be available. We need to let Imad get back to his training. Thank you so much, Imad. मैं दो मिनट, Imad हमीद.